हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2020 में अब हमें काफ़ी ज़्यादा मैचेस देखने को मिल चुके हैं और अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैचेस आगे को प्रोसीड हो रहे हैं वैसे वैसे प्लेऑफ्स की तस्वीर भी हमारे सामने क्लियर होती जा रही है। और आज हमें आईपीएल 2020 में आरसीबी का मैच देखने को मिलने वाला है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। और गाइज, मैच से ठीक पहले आरसीबी की टीम के लिए तीन काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग आरसीबी के फैंस हो, आरसीबी को आईपीएल का टाइटल जीतते हुए देखना चाहते हो, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से क्या इस बार आरसीबी आईपीएल 2020 का टाइटल जीत सकती है या फिर नहीं। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो आरसीबी के लिए निकल कर आई है वो है एबी डिविलियर्स के बल्लेबाजी क्रम को लेकर। आखिरी मैच अगर आपने देखा हो तो उसमें आरसीबी की किंग्स इलेवन पंजाब के हाथों हार के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो यही था कि एबी डिविलियर्स को आखिर उनकी जो पोजीशन है नंबर 4 की, उससे डाउनग्रेड करके नंबर 6 की पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए क्यों भेजा गया। काफी ज्यादा आलोचना विराट कोहली के इस फैसले की जा रही है, जिसमें हर्ष भोगले उनके साथ ही केविन पीटरसन का नाम भी अब जुड़ चुका है। इन दोनों ने ही विराट कोहली की खासी आलोचना की है कि आखिर एबी डिविलियर्स को बैटिंग ऑर्डर में इतना ज्यादा नीचे क्यों भेजा गया। और गाइज, विराट कोहली ने अगर आप लोगों ने सुबह की वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका रीजन दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को मेंटेन करना चाह रहे थे और यही वजह है कि वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे को एबी से ऊपर भेजा गया, ताकि वो थोड़ी सी हिटिंग कर सके और एबी डिविलियर्स को लास्ट में एज अ हिटर यूज किया जा सके। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ये बिल्कुल भी आरसीबी के पक्ष में नहीं गया और ये डिसीजन उनके ऊपर ही बैकफायर कर गया। तो ऐसे में विराट कोहली ने साफ कर दिया कि अब एबी डिविलियर्स के बल्लेबाजी क्रम में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो अब हमें फोर्थ नंबर पर खेलते हुए दिखाई देंगे, चाहे सामने लेग स्पिनर हो या फिर किसी भी तरह की कंडीशंस में टीम खेल रही हो। तो ये अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि एबी डिविलियर्स के बैटिंग ऑर्डर में अब आरसीबी का मैनेजमेंट कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या आपके हिसाब से एबी डिविलियर्स नंबर 4 की पोजीशन पर बैटिंग करनी चाहिए या फिर उससे नीचे, आपका क्या ओपिनियन है। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की, जो कि निकल कर आ रही है अजीत अगरकर की तरफ से। आपको पता होगा कि अजीत अगरकर भारत के फॉर्मर फास्ट बॉलर रह चुके हैं और गाइज, उन्होंने काफी ज्यादा शॉकिंग स्टेटमेंट दिए आरसीबी के रिगार्डिंग। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आईपीएल 2020 में आरसीबी पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि इस बार आरसीबी की टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली 8 में से वो 5 मैचेस जीत चुके हैं, तो ऐसे में 6 में से उनको सिर्फ 2 या 3 मैचेस ही जीतने हैं। लेकिन गाइज, अजीत अगरकर ने कहा है कि आरसीबी की टीम इस बार भी प्लेऑफ्स में नहीं जाएगी। भले ही उनका पहला हाफ काफी ज्यादा अच्छा गया, लेकिन उनकी टीम का जो बैलेंस है वो काफी ज्यादा खराब है। विराट कोहली की जो कैप्टेंसी है वो काफी ज्यादा चिंता का सबब इस टीम के लिए रहने वाली है। और हालांकि ये टीम अभी पॉइंट्स टेबल में ऊपर है, लेकिन इनका जो राइट काइंड ऑफ बैलेंस है वो इनको नहीं मिल पाएगा और आरसीबी की टीम प्लेऑफ से हो जाएगी बाहर। तो काफी बड़ी और कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अजीत अगरकर की तरफ से निकल कर आई है। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या आपके हिसाब से अजीत अगरकर सही है, क्या आपके हिसाब से भी आरसीबी की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, आपका क्या ओपिनियन है उनके स्टेटमेंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं तीसरी और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है एरन फिंच की तरफ से। अब एरन फिंच आरसीबी की टीम में एक ऐसा प्लेयर है जो कि हालांकि थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रही जितना कि इनसे एक्सपेक्टेड होता है। तो ऐसे में एरन फिंच को लेकर काफी सारी अपडेट्स आपके सामने निकल कर आ रही होंगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जॉस फिलिपे यहां पर एरन फिंच की जगह आरसीबी की टीम में नहीं आने वाले हैं। लेकिन गाइज, एक और न्यूज निकल कर आ रही है जो कि है एरन फिंच के मिड सीजन ट्रांसफर को लेकर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिड सीजन ट्रांसफर का जो रूल है उसके हिसाब से कोई भी प्लेयर जिसने 2 से कम मैचेस खेले हों, सिर्फ वो ही मिड सीजन ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है। तो ऐसे में एरन फिंच 2 से कहीं ज्यादा मैचेस आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, इनफैक्ट वो आरसीबी के लिए 6 मैचेस खेल चुके हैं। तो ऐसे में वो इस क्राइटेरिया को ही कंप्लीट नहीं करते तो उनका मिड सीजन ट्रांसफर में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलने वाला। आरसीबी की टीम से ही आप लोगों को एरन फिंच खेलते हुए देखने को मिलेंगे। तो गाइज, ये वीडियो ही तक थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को जरूर कीजिए लाइक और चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।